वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानसिक बीमारियों के लक्षण। पूरी दुनिया में लाखों लोग मानसिक रोगों के शिकार हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मानसिक रोगों के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, मानसिक रोगों के लक्षण नॉर्मल होते हैं और उसके वजह से लोग मानसिक बीमारियों को गंभीरता से लेते हैं और ना ही उसका इलाज करते हैं, और जब वो बहुत बढ़ जाता है तो फिर उसका इलाज करना बहुत ही असंभव होता है। तो आइए जानते हैं मानसिक बीमारियों के लक्षण। सबसे इम्पोर्टेंट जो मानसिक बीमारी का जो खास लक्षण है, आपको नींद नहीं आती, मतलब धीरे धीरे नींद कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है और ज्यादा थॉट प्रोसेस, मतलब जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा थॉट प्रोसेस बढ़ जाती है, मतलब उसे ओवरथिंक कहते हैं। इसमें वो इंसान किसी सिचुएशन में किसी चीज पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत कम रहता है। आइदर वो पास्ट विचारों में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, वो प्रेजेंट समय में बहुत कम रहता है। दोस्तों, जो लोग मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, वो प्रेजेंट सिचुएशन में कभी भी नहीं। दोस्तों, जो मानसिक बीमारी के जो लक्षण मैंने आपको यहाँ बताए हैं, खास करके गुस्सा आना, भूखना, रहना, अपने आप पे रहना, एकांत रहना, फोकस नहीं कर पाना, वर्तमान समय में अपने आप को महसूस नहीं करना, ख्यालों में रहना, अगर ऐसे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, ऐसे लक्षणों से आप गुजर रहे हो, तो आपको एक हिप्नोथेरेपिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। दोस्तों, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से आप अपने इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को 100% क्योर कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप पागल नहीं होना चाहते तो आप अपने आप को हिप्नोथेरेपिस्ट से काउंसिल कराइए, डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से 100% रिलीज हो जाओगे।